संविधान दिवस के मौके पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। टूंडला में भी संविधान दिवस के मौके पर धम्म चेतना यात्रा निकाली गई। धम्म चेतना यात्रा में बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। टूंडला में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा धम्म चेतना शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बड़े चौराहे से शुरू हुई, जिसमें कई देशों के बौद्ध भिक्षुओं ने हिस्सा लिया। संविधान दिवस के मौके पर धम्म चेतना यात्रा निकाली गई। धम्म चेतना यात्रा का जगह जगह लोगों ने स्वागत भी किया। धम्म चेतना यात्रा कई मार्गों से निकली। 26 जनवरी 1949 को इस देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने हर दिन की मेहनत करने के बाद, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे विश्व से जो योग्यता प्राप्त की थी, जिस देश के संविधान में 400 से ज़्यादा आर्टिकल हर धर्म वर्ग के लोगों को समानता का अधिकार दिया, और इतना ही नहीं, इस देश की जो 50% आबादी थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से पहले उसको जीने का भी अधिकार नहीं था। 26 जनवरी 1950 को देश की संसद में प्रस्तुत हुआ, और उसके बाद से लेकर अब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का न्याय नहीं, बल्कि इस देश की संसद से लेकर ग्राम पंचायत तक विद्वान लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान बनाते हैं। आज हम इस मौके पर टूंडला में धम्म यात्रा निकाल कर ये संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान जिंदा रहेगा, हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो या चंडीगढ़ हो, सबको बराबर की समानता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। मंगलवार को संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर ही टूंडला में धम्म चेतना यात्रा निकाली गई थी, जिसमें संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित तमाम झांकियां शामिल थी। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। टूंडला से अपने साथी ब्रजपाल सिंह और रामपाल के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।